वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। कोरलडा सीरीज का पार्ट 26 वीडियो है। पिछली वीडियो में हम कैंडल बनाना देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम इस डिजाइन को बनाना देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, एलिप्स टूल लेंगे और कंट्रोल के साथ में एक गोल सर्कल बनाएंगे। उसके बाद में इसकी एक कॉपी निकालेंगे शिफ्ट के साथ में, लगभग यहाँ तक। कंट्रोल के साथ में एक कॉपी और निकालेंगे नीचे को, इस तरह से, जो इस लाइन को क्रॉस करती है। शिफ्ट के साथ में इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस पॉइंट से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे शिफ्ट के साथ में, ताकि दोनों साइड में बड़ा हो। उसके बाद में दोनों सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस वाले सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे, दोनों सर्कल सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से ट्रिम करेंगे, ट्रिम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये सर्कल जो है वो ट्रिम हो जाएगा। इतना करने के बाद में इस सर्कल को यहाँ पर सेट करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे से बड़ा करेंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे। थोड़ा सा और छोटा करेंगे, लगभग इस तरह से सेट करना है। उसके बाद में स्मार्ट फिल टूल लेंगे और स्मार्ट फिल टूल से यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो यहाँ पर एरिया दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक नया शेप बन जाएगा। उसके बाद में ये जो सर्कल है इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरह से और इसको यहाँ से सेट करेंगे। थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और इसका ये जो नोड है वो यहाँ पर चिपक जाना चाहिए, इस लाइन में टच होना चाहिए, लगभग इस तरह से। उसके बाद में फिर से स्मार्ट फिल टूल लेंगे और यहाँ पर कलर कर लेंगे, इस तरह से कलर कर लेंगे। उसके बाद में इस सर्कल को उठा के यहाँ पर सेट करेंगे। इसकी ये जो लाइन है वो यहाँ पर इस लाइन के बराबर में होनी चाहिए और यहाँ से खुला होना चाहिए, लगभग इस तरह से। फिर से स्मार्ट फिल टूल लेंगे और इसमें कलर कर लेंगे। उसके बाद में इसकी कॉपी यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमको ब्लैंक रखना है। और इस सर्कल को डिलीट कर देंगे, जो पीछे वाला सर्कल है उसको डिलीट कर देंगे और इसको यहाँ पर एक कॉपी निकालेंगे और इसमें फिर से स्मार्ट फिल टूल से कलर करेंगे और इस पीछे वाले सर्कल को डिलीट कर देंगे। एक कॉपी और निकालेंगे इस तरह से, स्मार्ट फिल टूल लेंगे और फिर से इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद में इतना करने के बाद में यहाँ पर स्मार्ट फिल टूल से इसके ऊपर एक शेप और बनाएंगे। यहाँ पर एक शेप इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो एक कॉर्नर दिख रहा है ये कॉर्नर हमको डिलीट करना है। तो इतना कॉर्नर डिलीट करने के लिए इसको हम बैकनिस फ्रंट भी कर सकते हैं, जैसा कि इस पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैकनिस फ्रंट कर देंगे, तभी इतना डिलीट हो जाएगा। या फिर हम स्मार्ट फिल टूल लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया शेप बन जाएगा और इस सर्कल को हम बाहर करेंगे और इतना सेलेक्ट करके बाहर निकाल लेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे, तभी हमारा ये जो कॉर्नर है ये सही हो जाएगा। उसके बाद में इस सर्कल को इसमें सेट करेंगे यहाँ पर और इसमें स्मार्ट फिल टूल से कलर कर लेंगे इस शेप में। उसके बाद में इस सर्कल को डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा इतना कम्प्लीट बन चुका है। उसके बाद में इतना पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसकी लाइन नन कर देंगे। लाइन नन करने के बाद में इसमें हमको कलर करना है क्योंकि हमको 3D लोगो बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और इसमें येलो कलर करेंगे, इसमें ऑरेंज कलर करेंगे इस तरह से। फिर इस पर क्लिक करेंगे और एक लाइन इसमें भी इसी तरह से खींचेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और इसमें येलो कलर करेंगे और इसमें ऑरेंज कलर करेंगे। इसमें दोनों में कलर अपोजिट करना है। अगर ऊपर वाले शेप में इधर ऑरेंज इधर येलो है तो नीचे वाले शेप में इधर ऑरेंज होना चाहिए, इधर येलो होना चाहिए। थोड़ा सा अपोजिट कलर लेंगे। उसके बाद में इस पर क्लिक करेंगे और इसमें भी वैसे ही कलर कर लेंगे। उसके बाद में इसमें इस तरह से लाइन खींचेंगे और बाहर से ऑरेंज कलर करेंगे, अंदर से येलो कलर, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर जो लाइन रन की है, लाइन का स्पेस जो पीछे का दिखाई दे रहा है उसको हटाने के लिए पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल लेंगे और शेप टूल से ये जो नोट दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करके इस नोट को डिलीट कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे और ये नोट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में इस नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऊपर की ओर बढ़ा लेंगे ताकि जो इसके पीछे का स्पेस है वो हट जाए। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये नोट डबल क्लिक करके डिलीट कर देंगे और इस पर क्लिक करके इसको सेट कर लेंगे थोड़ा सा। फिर इसमें भी ऐसे ही करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर सेट करेंगे। अब इसमें जो स्पेस आ रहा था वो हट गया है। उसके बाद में इसको ग्रुप कर लेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रुप कर देंगे। इतना करने के बाद इसमें एक सर्कल बनाएंगे, कंट्रोल के साथ में छोटा सर्कल बनाएंगे, इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिकल फाउंटेन फिल पे क्लिक करेंगे और इसमें स्काई ब्लू कलर करेंगे और इसमें डार्क ब्लू, और इसकी लाइन रन कर देंगे यहाँ से। फिर दोनों को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और सी और ई से सेंटर में कर देंगे। उसके बाद में जो ब्लू कलर का सर्कल है इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे, पेज डाउन से नीचे हो जाएगा। और ये जो सर्कल है इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे शिफ्ट के साथ में, लगभग इतना, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा डाउन एरो से नीचे कर देंगे। उसके बाद में पूरा सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर देंगे। अब हमारी ये डिज़ाइन कम्प्लीट बन चुकी है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।